हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसमें जो है मैं एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन जो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें कभी अपना फ्यूल टैंक जो है ओवरफिल कराना चाहिए, अगर हम इसको ओवरफिल कराते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओवरफिल की सिचुएशन कब आती है। अब सपोज़ करिए कि आप किसी एक पेट्रोल स्टेशन पे गए हुए हैं। अब वहाँ पे जब आप गए तो आपने अपने जो आपका फ्यूल अटेंडेंट है या फिर मैं कहूँ जो स्टेशन पे आपका जो फ्यूल भर रहा है उस बंदे को आपने कहा कि इतने रुपये या इतना लीटर जो है पेट्रोल मेरे उसमें डाल दो। तो आप देखेंगे कभी कभी जो है क्लिक की साउंड आती है और उसके बाद भी जो है आपका जो वो एडवाइज़र होता है, आपका जो अटेंडेंट होता है, वो क्या करता है कि उसमें से जो है थोड़ा सा पाइप को बाहर निकालता है, हॉस पाइप को, और उसके बाद जो है उसके अंदर जो है दोबारा फ्यूल डालने की कोशिश करता है। तो ये जो है मेरे जो है एक बहुत गलत प्रैक्टिस है अगर मैं मेरे टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए। तो हमें कभी भी जो है अपना फ्यूल टैंक जो है ओवरफिल नहीं कराना चाहिए। तो उसके लिए पहले जो है हम थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों नहीं भराना चाहिए। तो अगर आप फ्यूल टैंक को देखेंगे तो हमारे फ्यूल टैंक के अंदर जो है एक अपर चेंबर नाम की चीज़ होती है। अब वो अपर चेंबर क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज़ करिए कि आपकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 20 लीटर। अब 2 से 4% जो है हमारे फ्यूल टैंक के जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर उसकी डिज़ाइनिंग होती है उसके अंदर जो है हम 2 से 4% जो है एक ऐसे जगह देते हैं जिसको हम कहते हैं अपर चेंबर, जिसके अंदर जब हमारा फ्यूल टैंक या फिर मैं कहूँ जब हमारी गाड़ी जब हम जो धूप में रखी रहती है वो जो है गर्म होती है। अब गर्म होने की वजह से लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होते हैं और हमें पता है कि फ्यूल हो तो वो जो है इवेपोरेशन ज़रूर होगा उसके अंदर। तो वो अपर चेंबर जो है वो इसी चीज़ के लिए बनाया जाता है कि जब हमारा फ्यूल जब गर्मी में खड़ी रहे, गाड़ी हमारी धूप में खड़ी रहे, तो वो जब इवेपोरेट हो तो वो उस अपर चेंबर के अंदर रहे। अब ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी कार के अंदर जो है एक कार्बन कैनिस्टर नाम की चीज़ लगी हुई होती है जिसका काम होता है कि जितने भी इवेपोरेटिव इमिशंस हैं, अब इवेपोरेटिव इमिशंस के अंदर यही आता है कि जब भी हमारी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है तो उसकी वजह से जो फ्यूल इवेपोरेट होता है वो इवेपोरेट फ्यूल जो है हमारा कार्बन कैनिस्टर के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे इवेपोरेटिव इमिशंस जो हैं, मतलब जो फ्यूल इवेपोरेट हो रहा है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको जो है कंट्रोल किया जाता है। अब अगर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा उस अपर चेंबर को तो 2 से 4% की जो जगह थी जो हमने अपर चेंबर में इवेपोरेशन के लिए दी थी फ्यूल के, अगर हम उस जगह को भर देंगे, अब मानिए कि आपने जो है उसके अंदर 2 लीटर या फिर 4 लीटर पेट्रोल जो है एक्स्ट्रा डलवा ले, तो अपर चेंबर जो है आपका पूरा भर गया। अब जैसे ही वो धूप में आपकी गाड़ी खड़ी होगी या जैसे ही आपकी गाड़ी थोड़ा सा भी चलेगी तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एक अपर चेंबर है, अपर चेंबर से एक हॉस पाइप जो है वो कार्बन कैनिस्टर के अंदर जा रही होती है। अब उस कार्बन कैनिस्टर के अंदर जो है वो ओवरफिल कार्बन कैनिस्टर हो जाएगा। अब ओवरफिल कार्बन कैनिस्टर के अंदर जो है एक पर्ज वॉल्व लगी रहती है और जैसे ही हम अपनी कार को शुरू करेंगे तो हमारी कार के जो फ्यूल लाइन है उसके अंदर जो है एक बहुत ही रिच मिक्सचर जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमारे कार के अंदर मैं कहूँ तो हमारे कार के अंदर ECU जो लगा रहता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मॉड्यूलर, वो जो है सबसे पहले हमारा पर्ज वॉल्व को ओपन करता है कार्बन कैनिस्टर के, वहाँ से फ्यूल जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो है क्या होता है कि हमारा फ्यूल जो है एक ऑलरेडी इवेपोरेटिव फॉर्म में है, उसको हमें जो है ज़्यादा उसमें ज़्यादा हमें एयर या ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती, इंजन जो है हमारा हेल्दी रहता है उसकी वजह से। तो वो एक तो हमारा इमिशन कंट्रोल कर रहा है, दूसरा हमारे इंजन के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब जैसे ही आप उसके अंदर फ्यूल जो है ओवर या फिर मैं कहूँ सैचुरेटेड फॉर्म में जब फ्यूल उसके अंदर चला जाता है, ओवरफिल जब वो हो जाता है, उसके बाद जो है जैसे हम अपनी कार को शुरू करते हैं तो आपकी कार के अंदर जो है रिच मिक्सचर बर्न होता है। एक तो वो हमारे फ्यूल लाइन, मतलब मैं कहूँ आपके इंजेक्टर के लिए जो है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो आपको ओवर रन या फिर मैं कहूँ ज़्यादा समय के बाद जब आप अपनी कार को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा जो है रिच मिक्सचर की वजह से जो है आपका कैटलिटिक कन्वर्टर जो हमारे कार के आप देखेंगे एग्जॉस्ट पाइप के नीचे लगा रहता है वो ख़राब हो जाएगा। तीसरा इसके अंदर जो है हमें बहुत पुअर एफिशिएंसी मिलती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे रिच मिक्सचर में अगर आपकी कार चलेगी तो उसको आप देखेंगे कि आपके इंजन की जो एफिशिएंसी है या फिर मैं कहूँ जो माइलेज है वो जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हमेशा ट्राई करें कि आप कभी भी अपने फ्यूल टैंक को जो है ओवरफिल ना कराएं। उसके पीछे जो टेक्निकल एस्पेक्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने इस कार के बारे में जान सकें, अवेयर हो सकें और वो अपनी कार को जो है ज़्यादा दिन तक जो है सेफली और हेल्दी तरीके से अपनी कार को चलाएं ताकि उनके पैसे बचें और वो जो है अपने कार को ज़्यादा दिन तक रोड पर चलाते रहें। तो अगर आपके पास कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी सवाल है तो आप जो है हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप यहाँ पर नए हैं। तो धन्यवाद।